भाई अपनी कार, ओ हो क्या कलर आ रहा है भाई इस बूस्टर के अंदर से। वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी, मेरा नाम है रेहान भाई। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी कार बताने वाला हूँ, शायद ही आप लोगों ने इस तरह की कार देखी होगी। ये है हैंड क्रैंकड ग्रेविटी सेंसर कार। इस तरह की मेरे पास एक और कार है, ये है जेस्चर सेंसिंग क्लाइंबिंग कार। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग इसकी फाइट कराने वाले हैं इसके साथ, तो फटाफट से दोनों को करते हैं अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं दोनों के बीच में फाइट। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मजा इनटू 100 होने वाला है भाई, क्योंकि अपने पास दोनों ऐसी कार से की पूरी भाई शेप चेंज कर सकती है, ड्रिफ्ट कर सकती है। तो चलो फटाफट से इसको मैं यहां से ओपन कर देता हूं। यार ये देखो गाइस, बॉक्स को तो भाई ओपन कर दिया है मैंने, अभी अपनी कार को भी यहां से अपन लोग निकाल लेते हैं। तो भाई इसके अंदर से कुछ गिरा यार, ये देखो ये है इसका चार्जर, ऊपर इन लोगों ने दे रखा है। तो अपनी कार निकाल लेते हैं। ओ भाई मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी होगी, बॉक्स के अंदर से तो भाई काफी छोटी लग रही थी। इसका साइज तो देखो यार, ओ भाई मेरे हाथ जितना बड़ा इसका साइज है। ओ माई गॉड, बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा सॉलिड लग रही है भाई। इस कार के अंदर एक और बहुत ही अच्छी चीज दी गई है, वो देखो यार यहाँ पर अपने को एक बूस्टर भी देखने को मिलता है। इसके अंदर अपने को वाटर डालना पड़ता है, वाटर जैसे ही डालेंगे भाई यहां से बूस्टर भी निकलना चालू हो जाएगा। यहां पर भाई दो चीजें हैं, जैसे कि इसके अंदर देखो यार स्प्रे वाटर कंटेनर देखने को मिल जाता है, और यहां पर है इसकी एकदम तगड़ी वाली बैटरी, और यहां पर है यार इसकी सबसे स्पेशल चीज ये है इसका रिमोट। ओ भाई क्या खतरनाक सा रिमोट दे रखा है इन लोगों ने, देखो यार जस्ट एक हैंड से हम लोग पूरी की पूरी कार जो है ना भाई कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर मिलती है अपने को एक यूजर गाइड। दोस्तों अभी अनबॉक्स करते हैं अपनी जेस्चर सेंसर क्लाइंबिंग कार को। ये कार के बारे में तो आपको पता ही होगा यार, आपने इसकी फुल वीडियो नहीं देखी है तो भाई जाकर जरूर से देख लेना। बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के स्टंट करा सकते हैं हम इस कार को यूज करके। इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलती है यार, सारी की सारी चीजें मैं आपको फटाफट से निकाल के बता देता हूँ। इसके अंदर हम लोगों को मिलती है एक जेस्चर कंट्रोल वाली वॉच, इस वॉच से हम लोग इस कार को पूरी तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अभी निकालता हूँ मैं अपनी कार, ये देखो गाइस ये आ गई अपनी कार। ये भी जो कार है ना भाई पूरी तरीके से अपना शेप वगैरह भी चेंज कर सकती है, इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पर है दोस्तों इसका चार्जर, और भाई ये है इसकी लाइपो बैटरी, और यहाँ पर है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये है इसका रिमोट। रिमोट के अंदर बटन्स तो देखो भाई कितने ढेर सारे बटन्स मिलते हैं अपने को। अभी फटाफट से करते हैं दोनों का कंपैरिजन, दोनों को मैंने साइड बाय साइड रख दिया। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा भाई अपनी ये जो येलो कलर वाली कार है इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ी साइज की है, और इसकी हाइट भी ज्यादा दी गई है, और इसके व्हील का साइज भी भाई इसके मुकाबले में ज्यादा दिया गया है। दोनों के व्हील सेम टू सेम है, यूनिवर्सल अजाइल व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। तो भाई ये जो कार है ना यहाँ से पूरी तरीके से फोल्ड होकर अपना शेप भी चेंज कर सकती है, ताकि हम इसको ऑफ रोड में काफी सही तरीके से चला सके। यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट नीचे पूरी तरीके से सिल्वर कलर दे रखा है। इस कार को हम दोनों तरफ से भी चला सकते हैं, इस तरफ से और इस तरफ से भी। तो व्हील्स की क्वालिटी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है यार, ट्रांसपेरेंट व्हील्स है, और व्हील्स के अंदर बहुत सारे एलईडी लाइट्स भी लगा रखे हैं। ये जो कार है ना भाई मेरे पास बहुत सालों से है, बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक कार है। इसके अंदर भी बहुत सारे एलईडी लाइट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसके व्हील्स के अंदर भी एलईडी लाइट्स बहुत सारे भर कर दिए हैं। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी में दोनों को कंपेयर करूं तो गाइस मेरे को इसकी बिल्ड क्वालिटी इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा बेटर लगती है, क्योंकि भाई इसको हम यहां से पकड़ते हैं तो देखो यार ये इस तरह से हिलने डुलने लगता है। दोनों का प्राइस भी मैं आपको बता देता हूं, इसको मैंने 4500 रुपीस में खरीदा था, इसको 3500 रुपीस में खरीदा था। दोनों का बाय लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोनों के रिमोट बहुत ज्यादा अलग है, ये देखो यार इतना बड़ा रिमोट है, दोनों हाथ से इसको कंट्रोल करना पड़ता है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स भी अपने को देखने को मिल जाते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इतने ढेर सारे बटन्स है भाई। ये भी काफी ज्यादा मस्त है, इस रिमोट को हम लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से पीछे में डालनी होती है 2 AA बैटरीज, इसके अंदर भी डालनी होती है 2 AA बैटरीज। तो चलो दोस्तों फटाफट से चलते हैं अपन लोग बाहर, फटाफट से कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं भाई आज कौन सी कार जीतेगी। ऑलराइट दोस्तों मैं आ चुका हूं बाहर, अभी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहले येलो कलर की कार का मैं शेप चेंज कर दिया, देखो भाई इस तरह से शेप चेंज हो जाती है। ब्लैक कलर का भी शेप चेंज करके मैंने दिखा दिया, वापस से इनका शेप नॉर्मल कर देते हैं। अभी भाई मेरे हाथ में ये जो रिमोट है बड़ा ही जादू रिमोट है यार, देखो मैं जैसे ही अपना हाथ इस तरह से घुमा रहा हूं ये जो कार है ना भाई अपने आप ही घूमने लग रही है। मैं राइट को घुमा रहा हूं तो कार राइट को घूम रही है। इसके अंदर जायरो सेंसर दिया हुआ है भाई, जादू रिमोट है भाई ये पूरी तरीके से। तो भाई जैसे मैं हाथ ऊपर करता हूं इसका शेप चेंज हो जाता है, जैसे मैं हाथ नीचे करता हूं ये अपने आप ही इसका शेप चेंज कर देता है रिमोट। काफी कमाल का रिमोट लगा मेरे को ये। अभी भाई रिमोट को मैंने नॉर्मल मोड में डाल दिया है, यहां पर देखो अभी इसके ट्रिगर से मैं कंट्रोल करके दिखा रहा हूं, काफी सही तरीके से कंट्रोल हो जा रही है कार। और भाई इसको आप आगे पीछे चला सकते हो, लेफ्ट में राइट में चला सकते हो, लैटरल
ड्रिफ्ट वगैरह भी इसके अंदर आप करा सकते हो इस तरह से, और साइड बाय साइड भी चला सकते हो, चाहे तो इस तरह से 360 डिग्री भी घुमा सकते हो इस रिमोट को यूज करके। अभी अपनी ब्लैक कलर के साथ जो जायरो सेंसर वाली वॉच मिली थी भाई, इसको पहन लिया मैंने फटाफट से। यहाँ पे आपको मैं टेस्ट करके बता रहा हूँ भाई, इसको पहन के कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल मेरे को लग रहा है, जैसे कि देख रहे हो थोड़ा सा ये कंट्रोल करने में दिक्कत कर रही है। तो एक काम करते हैं, अभी इसके रिमोट से कंट्रोल कर लेते हैं भाई। रिमोट काफी ज्यादा खतरनाक है भाई, इसका रिमोट से चलाने में भाई अलग ही मजा आ जाता है इस कार को। कार काफी सही तरीके से कंट्रोल जाती है भाई, खासतौर पर जब हम इसको टर्न करते हैं ना भाई, काफी मस्त दिखता है। इसको हम लोग लेफ्ट को राइट को इस तरह से चला सकते हैं, और भाई इस तरह से ड्रिफ्ट वगैरह करा सकते हैं, और इस तरह से भाई काफी सही तरीके से डांस वगैरह भी करा सकते हैं। इसके अंदर म्यूजिक का भी एक बटन देखने को मिल जाता है भाई, इसकी जो साउंड है हम लोग यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक म्यूजिक का बटन है, इसको मैं जैसे ही दबाता हूँ देखो भाई इसके अंदर से काफी अलग अलग तरह के साउंड भी आने लगती है। इसके अंदर हॉर्न भी बजा सकते हैं, हॉर्न बजा के बताता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई साहब काफी गजब का रिमोट लगा मेरे को। अभी करते हैं इस रोड पर दोनों के बीच में रेस, देखते हैं येलो कार जीतेगी या फिर ब्लैक कार। स्टार्टिंग से ही येलो कार आगे चल रही है, देखते हैं भाई ब्लैक कार इसका पीछे करते हुए इसको हरा पाती है कि नहीं। अभी तक तो येलो कार ही आगे चल रही है यार, ब्लैक कलर की कार बहुत ज्यादा स्लो चल रही है क्योंकि इसके अंदर बैटरी छोटी दी गई है, तो यहाँ पे क्लियरली विनर है रेस के मामले में येलो कलर की कार। अभी दोनों कार के बीच में करते हैं पावर टेस्ट, देखते हैं भाई कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल आरसी कार। दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है भाई, एकदम घमासान सी लड़ाई चल रही है। यहाँ पे येलो कलर की कार इसको पूरी ट्राई कर रही है। ओह माय गॉड, येलो कलर की कार ऊपर चढ़ चुकी है ब्लैक कलर की कार के। अभी ब्लैक कलर की कार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसको ये घुमा रही है, देखते हैं भाई घुमा घुमा कर नीचे पटक पाती है कि नहीं। ओह माय गॉड, येलो कलर की कार बहुत ज्यादा चालाक है यार, ये इसके ऊपर से निकल चुकी है भाई। दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है, तो यार पुशबैक में तो कुछ पता नहीं चला। अभी कराते हैं दोनों के बीच में टग ऑफ, और दोनों के बीच में रस्सी मैंने बांध दिया, देखते हैं भाई कौन हारेगा कौन जीतेगा यहाँ पर। तो भाई स्टार्टिंग से ही देखो यार, अपनी येलो कलर की कार ने भाई पूरी तरीके से जमीन पर ग्रिप जमा दी है और भाई इसको एक घसीट रही है, देखते हैं यार कितनी दूर तक घसीट के लेके जाती है, या फिर अपनी ब्लैक कलर की कार यहाँ पर संभल कर इसको वापस से खींच पाती है। देखते हैं यार, मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे ब्लैक कलर की कार जीतेगी, क्लियरली यहाँ पे विनर है अपनी येलो कलर की कार। अभी दोनों ही कार के बीच में ड्रिफ्ट और 360 डिग्री कराते हैं भाई, देखते हैं कौन काफी सही तरीके से ड्रिफ्ट वगैरह मार सकता है, 360 डिग्री मार सकता है। यहाँ पे येलो कलर की कार बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रही है भाई, यहाँ पर देखो ब्लैक कलर की कार उतना ज्यादा स्पीड से 360 डिग्री नहीं घूम सकती है। येलो कलर की कार क्या जबरदस्त दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर की कार थोड़ा सा स्लो घूमती है पर ये भी काफी मस्त तरीके से 360 डिग्री और ड्रिफ्ट वगैरह मार सकती है। यहाँ पे ड्रिफ्ट के मामले में क्लियरली विनर है अपनी येलो कलर की कार। अभी कराते हैं दोनों के बीच में ऑफ रोड टेस्ट, देखते हैं भाई यहाँ से कौन सी कार सही तरीके से निकल पाती है। यार येलो कलर की कार थोड़ा सा फिसल रही थी, तो इसके अंदर अभी अपन थोड़ा सा पावर बढ़ा देते हैं भाई। जैसे मैंने पावर बढ़ाई ये यहाँ से निकल चुके हैं। अभी ब्लैक कलर की कार को ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ से निकल पाती है कि नहीं भाई। इसके व्हील देखो काफी ज्यादा फिसल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अपन इसका शेप चेंज कर देते हैं। शेप जैसे ही चेंज किया मैंने, थोड़ा सा आगे बढ़ी है, अभी वापस से फंस चुकी है यहाँ पर, वापस से शेप चेंज करके देखते हैं भाई यहाँ से निकल पाती है कि नहीं। तो भाई जैसे मैंने शेप चेंज किया यहाँ से पार हो चुकी है भाई, दोनों ही कार जो ऑफ रोड में भी आप चला सकते हो। येलो कलर की कार के अंदर अपने को एक बूस्टर भी देखने को मिलता है। ओ माय गॉड, कितना ज्यादा जबरदस्त दिख रही है भाई अपनी कार। ओ हो, क्या कलर आ रहा है भाई इस बूस्टर के अंदर से। ओ माय गॉड, मजा ही आ गया गाइस इस कार को देखकर। और भाई इसके अंदर लाइट्स तो देखो यार, क्या जबरदस्त दिख रहा है। बूस्टर को ऑन करके एक बार कार भी चला के देख लेते हैं भाई। जैसे ही भाई इसका बूस्टर मैंने ऑन किया, इसकी स्पीड भी भाई मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी बढ़ चुकी है। येलो कलर की कार के अंदर भाई लाइट्स तो बहुत ज्यादा भर भर कर दी गई है, बड़ी कमाल की दिखती है ये कार नाइट में अगर आप इसको चलाते हो। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ब्लैक कलर की कार पसंद है या फिर येलो कलर की कार पसंद है, नीचे कमेंट करो फटाफट से अभी कभी। तो चलो भी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है दिलीप, सिद्दीक, विवेक, संतरा सिंह, प्रज्वल, अंकित, इजान, धीरज कुमार, हरजोत, सेमन। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और दोस्तों आपको भी चाहिए शॉट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।